वेलकम एक कौन न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी के टारगेट स्पिनर्स के बारे में। जी हाँ, देखिए टारगेट स्पिनर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए आरसीबी ने बहुत बड़े बड़े स्पिनर को रिलीज किया है, चाहे वो वरिंदु वसरंगा हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए। अपनी टीम में से दो बड़े स्पिनर को उन्होंने हटा दिया और युजवेंद्र चहल को तो उन्होंने मेगा ऑक्शन में छोड़ दिया था। अब इन्हें देखा जाए स्पिनर की जरूरत पड़ने वाली है। वहीं पर आरसीबी के फैंस बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि आरसीबी को मिनी ऑक्शन में आदिल राशिद को टारगेट करना चाहिए। देखिए आदिल राशिद आप लोगों को मालूम है कि पिछले सीजन तक हैदराबाद की टीम से खेलते थे और वहीं पे मेरे हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट वो इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं, मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लोकल टी20 लीग्स खेलते रहते हैं। तो आरसीबी के फैंस बोल रहे हैं कि आदिल राशिद एक ऑप्शन हो सकते हैं जिन्हें आरसीबी टीम मिनी ऑक्शन से बाय करती हुई नजर आई। क्योंकि देखिए वरिंदु वसरंगा का तो प्राइस पर से मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा जाने वाला है, क्योंकि मेरे हिसाब से हैदराबाद उनके पीछे जाती हुई नजर आ सकती है, पंजाब हो गई और मुंबई इंडियंस भी मेरे हिसाब से उनके पीछे जाती हुई नजर आ सकती है। तो वरिंदु वसरंगा का तो मिलना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं पर आदिल राशिद वो प्लेयर है जो आपको बेस प्राइस में देखने को मिल सकते हैं। तो आरसीबी टीम क्या आदिल राशिद को टारगेट कर सकती है? और मेरे हिसाब से आदिल राशिद को आरसीबी टीम टारगेट नहीं करेगी। जी हाँ, नहीं करेगी, वो डोमेस्टिक से ही चाहे किसी स्पिनर को उठा लेंगे या फिर वो करण शर्मा के साथ ही काम चलाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो अभी ओवरसीज लेग स्पिनर के पीछे तो नहीं जाएंगे, या फिर वो माइकल ब्रेसवेल को फिर से अपनी टीम में ले सकते हैं लेकिन आदिल राशिद को नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए उनका बैटिंग लाइनअप कुछ इस तरीके से सॉर्टेड है कि उन्हें कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसी को खिलाना ही खिलाना है, उसके बाद उन्हें एक ओवरसीज फास्ट बॉलर लगेगा, ना कि ओवरसीज एक स्पिनर। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत निकल के आती है आरसीबी की बैटिंग लाइनअप में। तो मेरे हिसाब से मुश्किल है कि वो आदिल राशिद के पीछे जाएंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी जो मैंने आप लोगों को वीडियो बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।